दोस्तों, अगर आपका फ़ोन पर बहुत सारे जीमेल आईडी ऐड हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोन पर बहुत ज़्यादा जीमेल आईडी ऐड हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपने फ़ोन से जीमेल आईडी को हटाना है, भाई देखो मैं डिलीट करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन से जीमेल आईडी को अलग करने की, रिमूव करने की। फिर बाद में आप चाहो तो लॉगिन भी कर सकते हो आईडी पासवर्ड को डालकर, ठीक है ना। तो फ़ोन से कैसे जीमेल आईडी को हटाया जाता है, कैसे रिमूव करना है, क्योंकि अगर आपके पास 5-6-7 जीमेल आईडी लॉगिन है, बहुत सारी लॉगिन है जीमेल आईडी, और आप चाहते हैं कि हमें कुछ जीमेल आईडी को फोन से अलग करना है, तो कैसे अलग कर सकते हैं, इजी प्रोसेस है। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए शानदार वीडियो आगे लाऊंगा इसी चैनल पर। तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि ज्यादा लंबा प्रोसेस है भी नहीं। तो कैसे होगा, आपको यहां पर जाना है फोन की सेटिंग पर, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अभी देखो भाई, आपके पास जो फ़ोन है, आईफोन हो सकता है, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, रेडमी का, कोई भी फ़ोन हो सकता है, बट फ़ोन की जो सेटिंग होती है थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट जो तरीका है वो सेम होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। ये अकाउंट का ऑप्शन हो सकता है कि आपके में एडिशनल सेटिंग पर हो या फिर ऊपर हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे में फर्स्ट टीम है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है रियलमी C11 है, तो मैं अकाउंट पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर जीमेल आईडी दिख रही है मेरी और व्हाट्सअप दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर आपको जीमेल आईडी का जो जीमेल आईडी को आपको अलग करना है सिर्फ उस पर ही क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, नीचे देखो यहाँ पर लिखा है रिमूव, ठीक है। अगर मैं रिमूव में क्लिक कर दूंगा तो मेरी जीमेल आईडी है वो हट जाएगी मेरे फ़ोन से। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा रिमूव पर, और यहाँ पर देखो लिखा है रिमूव अकाउंट, रिमूव दिस अकाउंट, डिलीट ऑल ऑफ द मैसेज, कॉन्टैक्ट एंड अदर डेटा फ्रॉम द फोन। मतलब जो जीमेल आईडी पर आपका फ़ोन में डेटा है, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, फ़ोन नंबर होंगे, जहाँ भी आपका जीमेल आईडी डाला हुआ फ़ोन पे कोई किसी भी चीज़ में, तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल अब हम यहाँ पर रिमूव में क्लिक कर देंगे, और जैसे हम रिमूव में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो एयर श्योर, ये कह रहा है कि आप श्योर हैं अलग करने के लिए, तो जी हाँ हम श्योर हैं, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पिन मांगेगा, अगर आपके पास फिंगर आता है तो फिंगर भी डाल दीजिए, मेरे में फिंगर नहीं है फ़ोन में, तो मेरे पिन डाल के रखा, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने अलग कर दिया, देखो यहाँ पर अब ये फ़ोन से देखो ये ऊपर ये रिमूव हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब फ़ोन से हट चुकी है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और YouTube खोलूँगा एप्लीकेशन, तो YouTube पर भी ये चीज़ अब नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है, और ये मैंने क्लिक किया, ये देखो ऑप्शन हट चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग फ़ोन से जीमेल आईडी को अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए और भी शानदार बेहतर वीडियो आगे लाएंगे इसी चैनल पर। तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।